जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कैसे फिंगरप्रिंट को ऐड कर पाएंगे। अगर आपके सेट पर फिंगरप्रिंट आपने ऐड नहीं किया है, तो अगर आपको फिंगरप्रिंट को ऐड करना है तो कैसे आप कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं रेडमी नोट 11 SE मॉडल पर मैं दिखा रहा हूँ फिंगरप्रिंट को कैसे ऐड करना होगा। तो पहले आपको ओपन करना होगा सेटिंग्स को। तो सेटिंग्स ओपन होने के बाद सेटिंग्स पर आपको एक ऑप्शंस मिल जाएगा, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। तो पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पर आपको प्रेस करना होगा। तो पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पर प्रेस करने के बाद आपको इधर चार ऑप्शंस मिल जाएगा। चारों ऑप्शंस पर आपको एक ऑप्शंस मिल जाएगा फिंगरप्रिंट। तो इधर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा फिंगरप्रिंट अनलॉक। तो फिंगरप्रिंट अनलॉक पर आपको प्रेस करना होगा। तो फिंगरप्रिंट अनलॉक पर प्रेस करने के बाद इधर आपको कोई भी एक स्क्रीन लॉक सेट करना होगा। आपका मन पसंद आपको एक स्क्रीन लॉक सेट करना होगा, पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड लॉक, कोई भी एक लॉक आपको सेट करना होगा। जो सेट करना है उसी पर आपको प्रेस करना होगा। करने के बाद इधर आपको गॉट इट पर प्रेस करना होगा। तो इधर आपको आपका मन पसंद लॉक देना होगा, फिर से आपको कॉन्फर्म लॉक देना होगा। देने के बाद कॉन्फर्म पर प्रेस करना होगा, फिंगरप्रिंट सेटिंग्स ओपन हो जाएगा। इधर से आप इस तरह फिंगरप्रिंट को ऐड करना होगा। अगर ये वीडियो आपका हेल्प हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए मेरा सेट पर फिंगरप्रिंट ऐड हो चुका है। ऐड होने के बाद देखिए फिंगरप्रिंट वर्क कर रहा है। तो इस तरह आपको फिंगरप्रिंट लॉक सेट करना है। थैंक्स इस वीडियो को फुल वॉच करने के लिए।